तो आज सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया है जिसमें रक्षा बजट को बढ़ाया गया है 5,000 करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। हाँ ठीक आप है, इस बजट को कैसे देखते हैं? ठीक है, अरे एक 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 कदम आगे हैं, बढ़िया है, कम कम से कम कुछ तो ये फौज को कुछ ना कुछ तो मिलेगा एक्स्ट्रा। तो पहले तो ये लोग जो है 40,000 करोड़ में तो 2,000 करोड़ बढ़ा रहे थे, अभी तो इनका इंटरिम बजट है, पूरा बजट तो है नहीं। रहे हैं उसमें दो चीज बहुत सराहनीय काम किया। एक तो जो 5,000 करोड़ का रक्षा बजट बढ़ाया है सरकार ने, इससे भारत की सेना और देश को मजबूती मिलेगी। दूसरी चीज वन रैंक वन पेंशन वाली मांग जो चल रही थी सैनिकों की, इसको सरकार ने बढ़ा करके जो बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया है। निश्चित तौर पर भारत रक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। जो रक्षा के क्षेत्र में सम्यक विकास होना चाहिए त्रिकोणात्मक, उन सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए विकास हो रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि सैनिकों का इससे बहुत ही ऊंचा मनोबल होता है और सैनिकों के लिए बहुत ही अच्छा एवं हितकर बजट है। और आने वाले दिनों सरकार को, जो भी सरकार आवे, ये बजट रक्षा का और अधिक बढ़ाना चाहिए।